छेड़छाड़ की वारदात को लेकर जब पूरा देश आक्रोश में हो, बलात्कारियों को जिंदा जलाने के लिए जब राष्ट्रीय बहस शुरू हो, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगनों का जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा हो, एक तरफ बेटियों को समाज से कंधा मिलाकर चलने की बातें हो तो दूसरी तरफ समाज के कुछ लोगों द्वारा ऐसे स्लोगनों को पैरों तले रौंदा जाए, तब उस व्यक्ति की मानसिकता का परिचय अपने आप हो जाता है। जरूरी हो जाता है ये जानना कि एक इंसान अचानक कैसे भेड़िया बन जाता है, वो कौन सा नशा होता है जिसके कारण एक व्यक्ति दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है, क्यों एक इंसान इतना भूखा हो जाता है जो अपनी हवस की आग को ठंडी करने के लिए छेड़छाड़ जैसी वारदातों को अंजाम देता है। जब बेटा अंश है और बेटी वंश है जैसी कहावतें जोरों शोरों से सुनाई देती हूँ, तब बहुत जरूरी होता है इस घिनौने समाज के सच को दुनिया के सामने रखना। जरूरी होता है अपने साथ हुए अन्याय की आवाज को उठाना। जरूरी होता है समाज के सामने उसके काले सच को रखना। क्या आपने कभी सोचा है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या होगा? तब जरूरी हो जाता है हिम्मत कर इस रक्षक के राक्षस वाले चेहरे को बेनकाब करना। ऐसी ही हिम्मत का परिचय देते हुए नाला सुपारा के संतोष भवन में स्थित आरती हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को ही बेनकाब किया है। नर्स ने पुलिस को डॉक्टर का चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि ये डॉक्टर हैवानियत की चादर ओढ़े खूंखार भेड़िया है जिसने नर्स के साथ छेड़छाड़ करने की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ विनय भंग का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की एक रिपोर्ट।